नमस्कार, मैं अमन यादव और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। यूपी से लव जिहाद की खबरों में कोई कमी नहीं आ रही है। बहुत सी ऐसी खबरें सामने आती रही हैं जब हिंदू युवतियों के साथ दुष्कर्म किया गया हो। मामलों में इतनी बढ़ोतरी हुई कि योगी आदित्यनाथ को कड़ा फैसला लेना पड़ा और कथित रूप से लव जिहाद पर अध्यादेश लाया गया। इसके बावजूद ऐसे मामलों में कोई कमी नहीं आ रही है। अब एक और ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको हैरान कर दिया। जी हाँ, यूपी के बदायूं में सदर कोतवाली क्षेत्र में एक लव जिहाद का मामला सामने आया है। शहर की 17 वर्षीय लड़की को एक मुस्लिम लड़का जबरन अपने साथ ले गया था, जबकि इस मामले में लड़की के परिजनों ने पुलिस पर भी शिकायत को बदलवा कर आरोपी को बचाने का आरोप लगाया है। वहीं जब दो अलग अलग समुदाय का मामला होने की जानकारी हिंदू संगठनों को हुई तो हंगामा हो गया और पुलिस ने फिर लड़की को बरामद कर लिया। लेकिन पुलिस ने आरोपी पर SC ST एक्ट नहीं लगाई है। इसके अलावा लड़की को जब पुलिस मेडिकल के लिए अस्पताल लाई तो उसके परिजनों और हिंदू संगठनों ने मामला लव जिहाद का बताते हुए उसे मुलाकात की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें मिलने से रोक दिया। तभी हिंदू संगठन के लोग गुस्से में आ गए। इसके बाद पुलिस के हाथ पांव फूल गए और उन्होंने मिलने की इजाजत दे दी। दरअसल पूरा मामला शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र का है। 17 साल की एक किशोरी के परिजनों का आरोप है कि लड़की अपनी मां के साथ काम पर जा रही थी, तभी शहर के लावले चौक से एक युवक उसको जबरन पकड़ कर ले गया। महिला ने पूरा मामला अपने पति और परिजनों को बताया तो वह मामले की शिकायत दर्ज करवाने के लिए कोतवाली पहुंचे। बताया जाता है कि युवक अपना नाम आशु बताता था, जो कि मुस्लिम समाज से है। वह बहला फुसला कर और झूठ बोलकर लड़की को अपने साथ ले गया। परिजनों द्वारा पूरा मामला पुलिस को बताया गया तो उसने दो अलग अलग समुदाय की बात होने के चलते शिकायत को ही बदलवा दिया। जब हिंदू संगठन इस मामले में हस्तक्षेप करने लगे तब पुलिस ने किशोरी को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में लड़की परिजनों और हिंदू संगठनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि दरोगा समेत पुलिस आरोपियों को सांठगांठ कर बचाने में लगी रही। वैसे इस मामले को लेकर पुलिस और हिंदू संगठनों के बीच नोकझोंक भी हुई है। आप पहले सुनिए पुलिस क्या कह रही है। को पहला कुछ लाकर बता ले जाने के संदर्भ में जो परिजनों द्वारा लिखित तहरीर दी गई थी उसके आधार पर सेक्शन 363 IPC का मुकदमा दर्ज किया गया था। जो युवती है, जो अपहर्ता है, उन्हें बरामद कर लिया गया है। उनके सेक्शन 164 CRPC के अंतर्गत बयान करवाए जा रहे हैं। वहीं पूरे मामले पर लड़की के भाई ने आरोप लगाया है कि आशु नाम का लड़का, जो वास्तव में दूसरे समुदाय से ताल्लुक रखता है, उसने हिंदू बनकर मेरी बहन से बात करने चाही और उसे फंसाना चाहा। यही नहीं, 28 जनवरी को वो मेरी बहन को जबरन अपने साथ ले गया, लेकिन पुलिस ने हमारी बात नहीं सुनी। हिंदू जागरण मंच युवा के जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है, जबकि ये मामला लव जिहाद का है। बहरहाल इस पूरे मामले पर SP संकल्प शर्मा का कहना है कि ये सदर कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है। परिजनों द्वारा शिकायत दी गई थी, उसके आधार पर धारा 363 का मुकदमा दर्ज किया गया था। लड़की को बरामद भी कर लिया गया है और उसके 164 के बयान दर्ज करवाए गए हैं। वहीं आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आपकी क्या राय इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़।